देवीपुर थाना अंतर्गत बुड़ई जमुआ रोड में पथरिया गांव के पास फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी नकुल राणा पेशम सीआरडी थाना बेड़नी जिला गिरिडीह से आए कि अपराधी द्वारा मारपीट कर हथियार का भय दिखाकर करीब 75,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके संबंध में देवीपुर थाना कांड संख्या 205/22 दर्ज किया गया। देवघर पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक देवघर के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन कर देवीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लंबा में छापेमारी कर इस कांड में संलिप्त दो अभियुक्तों राजेश कुमार यादव एवं अरविंद यादव को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से वादी का लूटा गया मोबाइल फोन, नगद 6,500 रुपया तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम देने की बात बताई गई। इस कांड में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। देवीपुर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। नंबर 2022 को देवीपुर थाना अंतर्गत जो बुढ़ही जमुआ मार्ग है वहाँ पे एक पथरिया गांव है, वहाँ पे एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट के द्वारा एजेंट से लूटपाट की घटना कारित हुई थी। इस कांड को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था, जिसके आलोक में देवीपुर कांड संख्या 205/22 दर्ज की गई थी। कांड के उद्भेदन एवं अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु एक टीम गठित की गई थी, जिनके द्वारा काफ़ी ही प्रोफेशनल तरीके से कांड का उद्भेदन किया गया एवं कांड में शामिल टोटल दो लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से हम लोग ने कांड में लूटी हुई जो 6,000 रुपये थे वो बरामद किया है, मोबाइल बरामद की है तथा घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है उसको भी हम लोग ने बरामद किया है। इस घटना में टोटल 8 लोग शामिल थे। अब हम लोग विधर आगे अनुसंधान कर रहे हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो घटना में शामिल लोग थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। इन लोग कहाँ के रहने